तो जी क्या हो कि अगर आप एक नई गाड़ी लेते हैं और उसे ज़्यादा भी नहीं चला पाते हैं, केवल 15-20 दिन हुए हैं उसको लिए, और आपने कहीं वो पार्क करी है और उसके बाद में उसमें आग लग जाए और वो जलकर खाक हो जाए, और ऐसे टाइम पे जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया था या फिर जो भी कार मैन्युफैक्चर है जहाँ से आपने गाड़ी परचेज करी थी, वो डीलर ये सारे अपने अपने हाथ खड़े कर दें कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपकी गाड़ी जल गई, आपके ऊपर, आप जानो आपका काम जाने, तो कैसा महसूस होगा आपको? और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, फिलहाल आसपास ही एक ऐसी कहानी हुई है कि जहाँ पे एक बंदे ने ली थी महिंद्रा थार। अब वो भाई साहब गए थे किसी एक फंक्शन में, वहाँ पे उन्होंने उस गाड़ी को पार्किंग में रखा और थोड़ी देर बाद कुछ लोग उनको ढूंढते ढूंढते हुए आए और बोलने लगे कि भाई तुम्हारी गाड़ी में आग लगी है, उसको जाके देखिए, उसको बुझाइए। और वो वहाँ से दौड़े और अपने बंदों को लेकर, अपने भाइयों को लेकर जैसे वहाँ पे पहुँचे तो देखा बड़ी ज़ोर से उस गाड़ी में आग लग रखी थी। बहुत उन्होंने ट्राई किया कि कैसे भी करके आग बुझ जाए, पर वो आग बिल्कुल नहीं बुझी। और इसके बाद में जो भी इंसान, अगर कोई नॉर्मल होगा, अगर उसकी गाड़ी के साथ ऐसा हादसा होता है, तो सबसे पहले वो ये याद करेगा कि भाई मैंने, चलो इतना तो अच्छा है, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा था। अब ऐसे में वो भाई साहब ने इंश्योरेंस कंपनी को रابطہ किया, उनको बताया ऐसा ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ हुआ है। जब उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को बताया, इंश्योरेंस कंपनी ने अपना सर्वेयर उस जगह पे भेजा उस गाड़ी को चेक करने के लिए। और जब वो सर्वेयर ने गाड़ी को चेक किया, कुछ सैंपल लेके गया लैब में चेक करवाए, कुछ सैंपल्स उन्होंने अपने हिसाब से भी चेक करे होंगे, इसके बाद उन्होंने एक मैटर लिख के दी कि भाई आपने अपनी गाड़ी में बाहर से कुछ एक्सेसरीज फिट करवाई थी जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में एक स्पार्क हुआ और आपकी गाड़ी चल गई। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, उन्होंने अपनी गाड़ी में हेडलाइट में कुछ काम करवाया था, यानी कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स लगवाई थी, मे भी हो सकता है LED लगवाई होंगी या फिर फॉग लैम्प लगवाए होंगे। अब ये काम उन्होंने करवाया था कहाँ से? जिस भी डीलरशिप से गाड़ी ली थी वहीं से। अब बात ये आती है कि जो डीलरशिप वाले खुद अपने हिसाब से लगा के देते हैं, क्या वो चीज़ भी इंश्योरेंस में कवर होती है या फिर नहीं होती? अब यहाँ पे दो चीज़ें, इंश्योरेंस आप किसी भी गाड़ी का लेते हैं तो वो आपको इतना कवर प्रोवाइड करता है कि जो भी OEM प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसी कंपनी में से बनते आ रही है, उस पर अगर आप अपनी गाड़ी में कोई भी डैमेज होता है, आप गाड़ी चलाते समय वो एक्सीडेंट हो जाती है, वो जल जाती है, फट जाती है, तो ऐसे समय पे आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बड़ी इजीली क्लेम दे देती है। पर जैसे कि कोई भी कंपनी हुई इंश्योरेंस वाली, वो एक न एक लूप होल ढूंढती रहती हैं, एक न एक ऐसा पॉइंट ढूंढती रहेंगी कि कैसे भी करके इस क्लेम को रिजेक्ट किया जाए। अब यहाँ पे तो इतना बड़ा क्लू उनको मिल गया कि ये भाई जो भी कस्टमर थे, इन्होंने अलग से हेडलाइट्स वहाँ पे लगवाई थी या फिर जो भी फॉग लाइट्स हैं वहाँ पे उन्होंने लगवाई थी, तो उनको एक लूप होल मिल गया ये कहने के लिए कि आपने ऐसा काम किया था, इस वजह से हम आपको इंश्योरेंस का क्लेम नहीं पास करके दे सकते। उसके बाद में वो भाई साहब ने जहाँ जिस शोरूम पे से अपनी गाड़ी में जो भी लाइट्स डलवाई थी, जो भी फॉग लैंप्स डलवाए थे, उनको बोला कि भाई ये कैसी आपने फिट कर रखी थी, क्यों मेरी गाड़ी में इस तरह आग लगी, इसका हर्जाना अब आप भुगतेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने भी उन पर बैकफायर करते हुए यही कह दिया कि हमारी जो भी कंपनी की OEM प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ऐसी चीज़ वारंटी में भी हम आपको क्लेम करके नहीं देंगे। यहाँ पे पूरी इस कहानी का एक किस्सा जो सबके सामने यही आता है कि हम अगर गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेने के बाद में बेफजूल के उसमें एक्सेसरीज फिट करवाते घूमते हैं, तो क्या वो सही में सेफ हैं? अब यहाँ ये करने का सबसे ज़्यादा क्रेज़ बनता कहाँ से? अब जैसे कि आपको पता ही है, YouTube पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, वहाँ पे आपको ढेरों ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे कि जो नई गाड़ियाँ आती हैं और दूसरे दिन वो किसी न किसी ऐसे मार्केट में खड़ी हैं कि वहाँ से पूरे उनके अंजर पंजर ढीले कर दिए जाते हैं, अलग अलग तरह की मॉडिफिकेशंस कर दी जाती हैं, कईयों में से लाइट्स चेंज हो जाती हैं। मॉडिफिकेशंस के नाम पे बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ भी आती हैं कि जो लोग लेते हैं बिल्कुल बेस मॉडल और उसमें टिप टॉप करके पूरी टॉप मॉडल वाली फील लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुआ या कोई भी वीडियो क्रिएटर हुआ, उसके लिए वो एक गाड़ी, वो एक प्रोडक्ट है। ऐसे समय में वो बंदा या बंदी जो भी हो, ऐसे टाइम पे वो इंसान जो अपनी गाड़ी पे मॉडिफिकेशंस करा रहा है, उसके वीडियो शूट कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं पोस्ट कर रहा है, उन वीडियो को आप देख रहे हैं, उनसे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो अगर आप अपनी गाड़ी में खर्च करवाने जाएंगे तो आपको तो पैसा लगाना है। तो जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस तरह की वीडियो पोस्ट करते हैं कि पूरी गाड़ी खुलवा दी, उन्होंने अच्छी अच्छी मॉडिफिकेशंस करा दी, उनको तो वो सारी वीडियो पोस्ट करने का कहीं ना कहीं पैसा मिलता ही है। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से उन लोगों का जॉब बन जाती है, उन लोगों का काम बन जाती है। पर यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यही बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं और ऐसे में आप अपनी गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशंस कराने की बात सोचते हैं, तो ऐसे मॉडिफिकेशंस कराओ कि जो आपकी गाड़ी में हार्मफुल ना हो। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस ऐसे आते हैं कि जिससे गाड़ी की ना ही वारंटी वॉइड होती है और ना ही आपकी इंश्योरेंस में कोई तकलीफ पड़ती है।
पर कोई भी मॉडिफिकेशन अगर ऐसा आप करवा रहे हैं कि जहाँ पे आपकी गाड़ी में जो भी तार लगी है उसको छीलना पड़ रहा है, उसको काटना पड़ रहा है। पर आजकल आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से आपको कपलर से कपलर फिटिंग वाले चीज़ें मिलती हैं। पर ये जो कपलर्स होते हैं इनमें एक तकलीफ ये भी आती है कि जब भी आप इनमें पिंच करते हैं तो ये कपलर्स की क्वालिटी इतनी ख़राब होती है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, ऐसे ऐसे कपलर्स होते हैं कि जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, पर अगर किसी बंदे ने चीप क्वालिटी का कपलर भी आपकी गाड़ी में डाल दिया और वहाँ पे इंजन बे में वो लग रखा है तो जो भी हीट जनरेट हो रही है तो वो हीट की वजह से वो कपलर भी मेल्ट हो जाते हैं और तारें नंगी हो जाती हैं, उसके बाद में स्पार्क बन जाता है और स्पार्क बनेगा उस दिन गाड़ी जल जाएगी। तो क्या इन सारी बातों से डर के हमें कभी भी अपनी गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराना चाहिए? देखिए, वैसे तो मॉडिफिकेशंस कराने के काफ़ी सारे नए नियम होते हैं, किस तरह आप कराना चाहिए, कौन सा मॉडिफिकेशन आपकी गाड़ी में ज़्यादा सूटेबल होगा, सारी चीज़ें सोचिए समझिए उसके बाद करवाइए। और अगर कोई भी मॉडिफिकेशन आप अपनी गाड़ी में कराते हैं तो उसे इंश्योरेंस पॉलिसी में भी अपडेट कर सकते हैं। आपने जो भी मॉडिफिकेशंस अपनी गाड़ी में लगाए हुए हैं वो सारे अप मॉडिफिकेशन के जो भी बिल है वो आप अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाके उसको अपडेट करवाएंगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो थोड़ा बढ़ सकता है, पर ऐसे में वो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो भी कवर हो जाएंगी। और साथ में अगर कोई ऐसी अनहोनी आपके साथ होती है तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी शायद आपके साथ में खड़ी रहे। वैसे तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि अगर आप कोई भी गाड़ी में फीचर्स अपलोडेड मांगते हैं, फीचर्स आपको ज़्यादा चाहिए तो भाई उस गाड़ी का टॉप एंड वेरियंट ले लीजिए। अगर आपको फीचर से ज़्यादा मतलब नहीं है तो ऐसे में आप जो भी लोअर वेरियंट्स है उसमें जा सकते हैं और जिसमें आप अपनी गाड़ी को चलाने का मज़ा भी ले सकते हैं। अब कोई भी बेस मॉडल को आप अगर टॉप मॉडल में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो जो क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल जो OEM को मिलने वाली थी वो तो नहीं मिलेगी, साथ में आपका पैसा भी खर्च होगा और उसके बाद में आप अपनी गाड़ी के साथ में अपनी जान के साथ में जो रिस्क लेंगे वो आपके बूते पे खड़ा हो जाएगा, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ये किस्से हुए हैं ऐसे अगर आप अपने आसपास देखने जाएंगे, कोई भी न्यूज़ चैनल कोई भी न्यूज़ मीडिया अगर आप उठा के देखेंगे तो काफ़ी सारे किस्से ऐसे हमारे आसपास देखने को मिलते रहते हैं। इन सारी चीज़ों से सीखिए, बेकार में अपनी गाड़ी में अपना अंधा पैसा ना लगाएं। कैसी लगी ये छोटी सी जानकारी वाली वीडियो थी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। इन सारी चीज़ों के रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।